अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार आपको खैर व आफियत से रखे। आप अपना और अपने अजीज़ व अक़ारिब का ख़ास ख्याल रखिएगा। इसी का नाम ही ज़िंदगी है और इसे ही ज़िंदगी कहते हैं। मैं जनाब चौधरी बशीर, ज़िला गुजरात की तहसील खारियन से तल्लक़ है। मेरा छोटा सा गाँव है, मेरा बासरी है। इस वक्त सऊदी अरब रियाज में हूँ। तो एक मैसेज है, मैसेज सुनाता हूँ आपको, फिर अगली बात सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी बशीर भाईजान, की हाल ही? ठीक हो और सब खरीद कम शाम ठीक जा रहा? जनाब गल इस तरह के मेरा जो महीना है ना वो साइड के खास ठीक आ। अगर मेरा कफील के चार तो ज्यादा बंदे हो अमल हो मैं हूँ पता वे किन्ने अमल आ ओ यानी साढ़े वास्ते जी कमे की फीस अगर चार तो ज्यादा हो 9600 फीस लगी साए खास अमल मंडली यानी साढ़े वास्ते क्योंकि असि पहले है ये कहें दो मरहलिया जेडे इतने पहले थे उन्होंने वास्ते कहें 2023 तो मई 2023 तो लागू होनी फीस तो जेडे नवे आ रहे उन्होंने अगर यानी चार तो ज्यादा बंदे ठीक है कफील दे नवे वास्ते यानी इस साल है जेडे पुराने पहले दे उन्होंने वास्ते अगले साल को है मालूमात जवाब देना लाजमी मेहरबानी सर शुक्रिया। सर जी, सबसे पहली बात तो यह है कि कफील के जो बंदे वैसे उसके पास काम कर रहे हैं वो एक और चीज़ है। जो घरेलू मुलाजमीन है ना, घरेलू मुलाजमीन चार से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जो आदमी घर पे काम कर रहे हैं, मसलन आप एक साइक खास है, एक अमल मंजली है, एक तबाख है, एक नर्स है, जब चार पूरे हो गए तो पाँचवें पर आएगा तो फीस होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, चार हैं तो कोई फीस नहीं होगी। अगर चार बंदे उसके घर पर जो काम करने वाले हैं वो चार बंदे हैं एक, ठीक है, लेकिन अगर चार से ज़्यादा हैं तो फिर सबको फीस देनी पड़ेगी। और ये मई से शुरू हो रही है, 9600 ही है तकरीबन, इसमें कोई शक नहीं है। तो जो आप कह रहे हैं कि मसलन कुछ का अब शुरू होगा और कुछ का बाद में शुरू होगा, मुझे इस बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेरे ख्याल में अभी शुरू होगा, बाद में कैसे शुरू होगा, 2023 में कैसे शुरू होगा। बहरहाल मैं इन्फॉर्मेशन लेके कन्फर्म करके तो फिर आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। लेकिन मेरे ख्याल में कि जो चार बंदे हैं कफील के घर पे काम करने वाले, यानी मसलन दो साए खास हो गए हैं, दो अमल मंजली हैं, तो चार हो गए। अब चार से ज़्यादा जो होंगे तो फिर सब पे फीस लग जाएगी, क्योंकि लोगों ने इसको एक कारोबार बना लिया था, वो इस वजह से इसकी फ़ीस उन्होंने लगाई है। जिसको क्योंकि घर में ज़रूरत है एक ड्राइवर की, एक मसलन चले मुलाजम है जो बाकी घर का ख्याल रखे, एक चले रोटी पकाने वाली भी होगी, ये तीन तकरीबन तीन चार काफ़ी होते हैं। अब लोगों ने क्या किया, चार दो दो तीन तीन साइक खास मंगवा लिए, दो दो तीन तीन अमल मंजरी मंगवा लिए, तो उस वजह से वो गवर्नमेंट ने उनको लिए उनके लिए ये फीस की है। मेरे ख्याल में अभी से शुरू होगी, इस मई से ही, अगले साल वाला मसला नहीं है, इस मई से शुरू होगी सबसे ही। अगर चार से ज़्यादा हैं तो, अगर चार से कम है तो फिर कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। वैसे भी साइक खास होगा और बाहर काम करेगा तो उसके लिए मुश्किल ही मुश्किल है, यानी अब मुश्किल है, अब भी मुश्किल है, आने वाले दिनों में भी मुश्किल है। आप साइक खास हैं, आप बाहर खड़े किसी जगह पे काम कर रहे हैं तो साफ जाहिर है, एक साइक खास है और लेबर का काम कर रहा है तो पूछेंगे भाई आप तुम मजदूरी कर रहे हो बाहर निकल के, तो तुम तो साइक खास हो, ठीक है, ये क्या मसला है, ऐसा नहीं होगा। तो वो साफ जाहिर है एक मुश्किल जॉब है ये जो साइक खास वाली है ना, ये घर पर ही फिट होगी, ये घर पे काम करने वाला सिस्टम ही होगा इसका, कफील के पास ही। बाहर वाला काम जो है साइक खास आमल मंजरी के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, एहतियात करें, क्यों अपने लिए भी मुश्किल पैदा करते हैं और अपने कफील के लिए भी। ठीक है जी, अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह ज़िंदगी में वफा की तो एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।